आज किस्सा टीवी पर कहानी कही जाएगी गुजरे जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस शोमा आनंद की। 16 फरवरी 1958 को शोमा जी का जन्म मुंबई में हुआ था। शोमा जी फिल्मों व टीवी जगत का जाना पहचाना चेहरा है। छोटी उम्र में शोमा जी को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शोमा जी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो पढ़ना ही चाहती थी, लेकिन शोमा जी की माँ चाहती थी कि ये एक्ट्रेस बने, और वो इसलिए क्योंकि इनके पिता के एक मित्र थे जिनकी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया जान पहचान थी। शोमा जी को भी लगा कि एक्ट्रेस बनने में क्या बुराई है, अगर रोल अच्छा मिले तो एक्टिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। शोमा जी वैसे भी छोटी उम्र से ही मीना कुमारी और वैजयंती माला जी की फैन थी, इसलिए जब फिल्मों में काम करने का इरादा शोमा जी ने बनाया तो इनकी ख्वाहिश थी कि ये भी फिल्मों में मीना कुमारी जैसा अभिनय करें और वैजयंती माला जैसा नृत्य करें। एक दिन इनके पिता के वही दोस्त इनके घर आए और बोले कि डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती को अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई लड़की की तलाश है, तुम उनसे जाकर मिलो। पहले तो शोमा जी को यकीन ही नहीं हुआ कि प्रमोद चक्रवर्ती उन्हें फिल्म में लेंगे, क्योंकि प्रमोद चक्रवर्ती की सभी फिल्मों में इंडस्ट्री के टॉप के एक्टर्स हुआ करते थे, वो भला किसी नई लड़की को क्यों फिल्म में लेंगे। लेकिन पिता के दोस्त के जिद करने पर शोमा जी प्रमोद चक्रवर्ती साहब से मिले। उन्होंने शोमा जी का एक स्क्रीन टेस्ट लिया, शोमा जी उस स्क्रीन टेस्ट में पास भी हो गई और प्रमोद चक्रवर्ती ने शोमा जी को बारूद नाम की उस फिल्म में कास्ट कर लिया। उनके हीरो थे ऋषि कपूर, जो उस दौर में बहुत बड़े और नामी फिल्म स्टार हुआ करते थे, और चूंकि बारूद की कुछ शूटिंग विदेश में भी हुई थी तो पहली ही फिल्म में शोमा जी को विदेश यात्रा का मौका भी मिल गया। बारूद के बाद शोमा आनंद जी कुछ और फिल्मों में बतौर लीडिंग लेडी नजर आई, लेकिन वो फिल्में बहुत ज़्यादा सफल ना हो सकी, और इसका नतीजा ये हुआ कि शोमा आनंद जी को लीड हीरोइन के रोल मिलने बंद हो गए, उन्हें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स करने को मजबूर होना पड़ा। वक्त के साथ शोमा आनंद फिल्म इंडस्ट्री की नामी कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई। अधिकतर फिल्मों में शोमा जी ने वैम्पिश कैरेक्टर्स निभाए। फिल्मों के अलावा टीवी की दुनिया में भी शोमा आनंद ने काफ़ी नाम कमाया। शोमा आनंद का सबसे पहला टीवी शो था साल 1995 में जी टीवी पर आया सुपरहिट शो हम 5। इस शो में शोमा आनंद जी ने आनंद माथुर की दूसरी पत्नी बीना माथुर का कैरेक्टर प्ले किया था, और इस रोल में शोमा जी को बहुत पसंद किया गया था। इसके बाद से ही शोमा जी टीवी और फिल्मों की दुनिया में लगातार एक्टिव रही, हालांकि अब उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है। शोमा जी के निजी जीवन की बात करें तो इन्होंने तारिक शाह से शादी की थी। इनके पति तारिक शाह खुद भी एक एक्टर थे, और एक्टिंग के साथ साथ तारिक शाह फिल्में प्रोड्यूस व डायरेक्ट भी करते थे। शोमा जी की एक बेटी भी हैं जिसका नाम है सारा। साल 2021 में शोमा जी के पति तारिक शाह की मृत्यु हो गई थी। किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि शोमा आनंद जी हमेशा स्वस्थ रहें। जय हिंद।